नमस्कार, शुरुआत जी नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि पान से, जी हाँ, खाने वाले पान से रोगों का उपचार कैसे किया जा सकता है। वैसे तो पान का सांस्कृतिक परंपरा, पूजा अर्चना, टोने टोटको आदि में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन ये सामान्यतः खाना खाने के बाद पचने के लिए, खाने को पचाने के लिए या मुंह के स्वाद के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें इसके अलावा धर्म संस्कार की क्रियाओं में भी इसका बहुत ही उपयोग किया जाता है, और ये कहा जाए कि बल्कि शरीर के अनेक रोगों से भी ये बचाता है, कई बीमारियों का उपचार करता है। और पान को बनाने में अनेक चीजों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि पान का पत्ता, कत्था, सुपारी, चूना, ये पदार्थ जो मुंह में जाकर, आपके शरीर में जाकर कुछ ना कुछ शरीर को लाभ देते हैं। उसके औषधीय गुण क्या हैं, आज हम आपको बताते हैं। जी हाँ, पायरिया जैसी बीमारी, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें दांतों में पायरिया की शिकायत होती है। इसके लिए वो बहुत तरह की दवाइयां खाते हैं, लेकिन उनका जो पायरिया है वो ठीक नहीं होता। अगर वे पान में 10 ग्राम कपूर मिलाकर दिन में 3 से 4 बार सेवन करते हैं तो जल्द ही उनका जो पायरिया की शिकायत है वो दूर हो जाती है। पर इसकी एक सावधानी रखनी पड़ती है कि वे कपूर मिले पान के रस को पेट में न सटके बल्कि बाहर निकालते रहे। जी हाँ, जो पान का वो स्लाव बनता है, जो एक रस्सा बनता है, उस रस को बाहर फेंकते रहे, वो पेट में ना ले, क्योंकि पेट के लिए वो नुकसानदायक होगा। मुंह के स्वास्थ्य के लिए सबसे बेस्ट है पान। मात्र पायरिया ही नहीं बल्कि पूरे मुंह के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया के प्रभाव को कम करते हैं और मुंह की दुर्गंध को भगाते हैं। इसमें इस्तेमाल किए जाने वाला कत्था, लौंग, इलायची, जो आपके मुंह को फ्रेश रखता है। जो व्यक्ति पान खाते हैं उनकी लार में ऐसा कार्बिक एसिड का स्तर भी सामान्य रहता है, जिससे उनके मुंह में, जिसे कहते हैं कि हम ये कहिए कि रोग संबंधी चीजों से उसे सुरक्षा मिलती है, या मसूड़ों की गांठ और सूजन को दूर करने में भी लाभकारी होता है। जी हाँ, और खांसी, अगर कोई आदमी खांसी से परेशान है तो हल्दी को गर्म करके पान में लपेटना चाहिए और उसके बाद उसे चबाते रहिए। अगर फिर भी खांसी नहीं रुकती तो आप हल्दी के साथ अजवाइन को भी मिला लें और इसे चबाएं, आपको जल्द ही खांसी में आराम मिलेगा। जुकाम की अगर हमको शिकायत है, ये तो सामान्य सी बात है कि खांसी के साथ जुकाम हो ही जाता है, तो आप पान के अंदर थोड़ी लौंग मिलवा लें, इससे जुकाम जल्दी पक जाता है और आपको आराम आ जाता है और जुकाम से राहत मिलती है। किडनी की समस्या में भी पान आपको बहुत फायदेमंद है। जिन व्यक्तियों को किडनी की समस्या है वो दिन में 2 बार सुबह शाम पान को अवश्य चबाएं, इससे इनके पेट का गंध साफ होता है और किडनी की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। किंतु आपको कुछ चीजों का परहेज करना होगा, जैसे अधिक मिर्च मसाला, शराब, अंडे, मांस और ऐसी चीजें जिसे पचाने में पाचन तंत्र को काफी मेहनत करनी पड़ती है। श्वास नली, जो आपकी ब्रीदिंग ट्यूब है, पान को श्वास संबंधी या श्वास नली से जुड़ी अनेक तरह की बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए आप पान का तेल निकाल लें, उसे गर्म कर लें और गर्म करने के बाद उस तेल से अपने सीने को सेके या अपने सीने पर मालिश करें। आप इस उपाय को 1 महीने तक अपनाएं, आपको खुद ब खुद इसका लाभ महसूस होगा। अगर पेशाब आपका कम आता है, कुछ लोगों को अल्प मूत्र का रोग होता है जिसकी वजह से उन्हें पेट संबंधी बहुत से रोग हो जाते हैं, इस समस्या से बचने के लिए पान के पत्तों का रस निकालकर उसे पतले दूध के साथ लें, इससे आपके रुके हुए पेशाब की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। त्वचा को निखार आता है। पान के पत्तों में कुछ ऐसी एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं जो आपकी त्वचा में निखार लाते हैं, आपका सौंदर्य बढ़ाते हैं, या आपके खून को साफ करते हैं और आपके चेहरे की कील मुहासों की, उनसे आपको बचाए रखते हैं। अगर आपके शरीर में गठिया रोग है या शरीर के कई हिस्सों में सूजन है तो पान की पत्ती को पीसकर उसमें अरंडी का तेल मिलाकर एक पेस्ट तैयार करना चाहिए और उस पेस्ट को उस जगह पर लगाइए, उससे आपको सूजन में राहत मिलेगी। कामोत्तेजना बढ़ाने में, जी हाँ, इंक्रीज सेक्सुअल फीलिंग्स,
आपने देखा होगा कि जिन लोगों की नई नई शादी हुई होती है वे पान का अधिक सेवन करते हैं। इसके पीछे का कारण ये होता है कि पान के रोजाना सेवन से आपकी काम भावना बढ़ जाती है। आप अपने साथी के साथ बिताए हुए पलों को और भी अधिक हसीन और खुशनुमा बना सकते हैं। पाचन के लिए तो बहुत ही सहायक है। पान सेलिवरी ग्लैंड को सक्रिय करता है जिससे मुंह में पाचन के लिए जो लार बनती है और खाना आसानी से उस लार से पच जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। इससे आपको कब्ज की समस्या नहीं होती। अल्सर से मुक्ति मिलती है क्योंकि पान पाचन तंत्र के लिए और किडनी के लिए फायदेमंद है और ये खाने को पचने के लिए लार भी बनाता है, तो इससे शरीर की आंतें साफ होती है और आपको जो अल्सर का खतरा है वो नहीं बनता। अगर आपको कहीं घाव है तो उससे भी आराम मिलता है। पान में पाया जाने वाला एनाल्जेसिक तत्व सरदर्द में आराम देता है। साथ ही पान के पत्ते को घाव पर लगाने पर या पान के सेवन से घाव भी जल्दी भर जाता है, सर्दी को दूर भगाता है ये। अगर आपको सर्दी लग रही है उस स्थिति में भी आप पान के पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप अपना पान में बस थोड़ा सा शहद मिला लें, इसके बाद इसका आनंद लेते हुए इसे चबाएं तो आपको सर्दी महसूस नहीं होगी। अगर आपके मुंह में छाले हैं या जलन है तो आप पान का रस निकालें और उसे गर्म कर लें। उसके बाद आप उसे अपने छालों पर लगाएं और उसे ये मान के चलिए कि आपको थोड़ी ही देर में उन चीजों से आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। भूख को बढ़ाता है, आपकी पाचन क्रिया को तेज करता है। नियमित रूप से अगर आप पान खाते हैं तो आपकी भूख बढ़ती है और देसी पान जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो किस तरीके से पान जो है वो शरीर के लिए लाभकारी है, इवन ये मान के चलिए कि किडनी की, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है वो लोग अगर पान का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी किडनी की प्रॉब्लम से उन्हें राहत मिलती है। आप हमारे और भी जो चैनल्स हैं उनके साथ बने रहिएगा, जैसे शुरुआत जी सुप्रभात, शुरुआत जी लफ्जों की गूंज, शुरुआत जी शॉर्ट फिल्म्स, शुरुआत जी, इस तरह के हमारे चैनल्स हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वहां पर भी जाइए, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ तो आप बने ही रहिएगा। वो चैनल भी आपके अपने हैं, ये चैनल भी आपका अपना है। हमने आपको जानकारी दी, इसका आनंद लीजिएगा, हंसते रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना प्यार हम पर लुटाते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। थैंक यू वेरी मच।